Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आइए प्यारे भाई और बहनों, ये जो वक्त है प्रार्थना का समय है, प्रार्थना का वक्त है। आइए जहाँ कहीं भी आप हैं, ये वचन के साथ हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के वचन में ईश्वर की शक्ति है। और आप सुनते वक्त, आप इसको बोलते समय, आप इसके साथ प्रार्थना करते समय ईश्वर का वचन आपके साथ काम करेगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए एक बार प्रार्थना करें। हे जीवित ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, जय जयकार करते हैं। आप सच्चा खुदा है, आप जिंदा खुदा है, आपके लिए सब कुछ संभव है। आमीन। आपने एक शब्द कहा और वैसे के वैसे पूरा हो गया। आमीन। क्योंकि आपके लिए प्रभु एक शब्द काफी है। आमीन। आपके शब्द में अनंत जीवन का संदेश है प्रभु। जीसस। आपका वचन आत्मा और जीवन है प्रभु। आमीन। प्रभु जी, आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें प्राप्त है। इस वक्त हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। तेरा वचन आज हमारे मुख से बोलने के लिए आपने हमें आज ये कृपा बख्श दिया है प्रभु जी। आज हम आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करने जा रहे हैं। दूसरा मकाबी उसका 8 अध्याय उसका 18 वचन, सेकंड मकाबी चैप्टर 8:18। इस बाइबल के वचन इतने शक्तिशाली है, दुनिया के करोड़ों लोग इसके द्वारा लाभ उठाते हैं। ये वचन में इतनी शक्ति है, इसे आइए प्यारे भाई और बहनों, इसको हम गाकर सीखेंगे और इसके साथ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु ने सालों पहले हमें ये प्रेरणा दी वचन को गाकर सीखने को और सिखाने का। और आज आपके सामने हम लोग इस वचन के द्वारा प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस वचन में जो सामर्थ्य है इसी वक्त महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वचन बोलते ही उसका सामर्थ्य, शक्ति आपको महसूस होना लगेगा। क्योंकि वचन जिंदा है, वो खुदा का वचन है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन है। इस वचन में लिखा, दूसरे लोगों को उनके अस्त्र शस्त्र और उनकी वीरता पर भरोसा है, किंतु हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा है जो हम लोगों को आक्रमण करने वाले ही नहीं बल्कि समस्त संसार को पलक मारते ही नष्ट कर सकता है। जस्ट इमेजिन, पलक मारते ही नष्ट कर सकता है, इतने पावरफुल ईश्वर हमारे साथ है। दूसरे लोग शायद उनके पैसे पर होगा, धन दौलत पर होगा, उनके अस्त्र शस्त्रों पर होगा भरोसा, पर हमारा खुदा ही हमारा भरोसा है, हमारे लिए सब कुछ है। एक बार इस वचन का आप गहराई समझोगे ना, जिंदगी बदलेगा। बोलिए आमीन। आमीन। आज मेरा पूरा विश्वास है, जैसे आप इस वचन के साथ हमारे साथ प्रार्थना करोगे ना, आपके जीवन में प्रभु कुछ करने वाला है। आमीन। क्योंकि ये वचन फल उत्पन्न करेगा। आमीन। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हम ऐसे एक बार गाएंगे, उसके बाद इस वचन के साथ हम वर्शिप करेंगे। दूसरे लोगों को अपने अस्त्र शस्त्रों, अपने वीरता का भरोसा है। दूसरे लोगों को अपने अस्त्र शस्त्रों, अपनी वीरता का भरोसा है, किंतु हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का भरोसा है, किंतु हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का भरोसा है, जो न केवल हम पर आक्रमण करने वालों का, जो न केवल हम पर आक्रमण करने वालों का, बल्कि सब लक मारते ही समस्त संसार का विनाश कर सकता है, बल्कि पलक मारते ही समस्त संसार का विनाश कर सकता है। आइए प्यारे भाइयों बहनों,
इस वचन का सामर्थ्य आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में इसी वक्त पूरा हो जाए। प्रार्थना करें, इस वचन में जो आशीष है, इस वचन में जो बरकत है, इस वचन में जो वादाएं हैं, ये आज इसी वक्त आपके और मेरे जीवन में पूरा हो जाए। प्रार्थना करें जैसे माता मरियम ने कहा, प्रभु आपका वचन मुझ में पूरा हो जाए। आइए मिलकर इस वचन के साथ हम प्रभु की महिमा करें, आराधना करें, जय जयकार करें, और इसी वक्त इस वचन यहाँ मेरे लिए पूरा हो जाए। आमीन। ताली बजाकर अपने अपने जगह पर हमारे साथ दीजिए। दूसरे लोगों को अपने अस्त्र शस्त्रों अपनी वीरता का भरोसा है। दूसरे लोगों को अपने अस्त्र शस्त्रों अपनी वीरता का भरोसा है, किंतु हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का भरोसा है। किंतु हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का भरोसा है, जो ना केवल हम पराक्रमण करने वालों का, जो ना केवल हम पराक्रमण करने वालों का, बल्कि पलक मारते ही समस्त संसार का कर सकता है, बल्कि पलक मारते ही समस्त संसार का विनाश कर सकता है। हालेलुया 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 आपका वचन का सामर्थ्य हालेलुया हमारे जीवन में आज पूरा हो जाए। हालेलुया 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 Jesus, oh God, the Holy Spirit, the power of this word of God, all upon this people, the assembly, hallelujah. Tera vachan ka shakti, tera vachan ka samarthya, is samaya, is samuh par, samaj par, vyaktiyon par, mere parivar par, mere kalisya par pura ho jaye Prabhu ji, kyunki aapke liye kuch bhi asambhav nahi, tera vachan ka samarthya, shakti aaj mere jeevan mein pura ho jaye, chinh tatha chamatkar ho jaye, bimariyan dur kiya jaye, शक्ति दूर किया जाए, शैतान की शक्ति दूर किया जाए, बीमारियां दूर किया जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज इसी वक्त तेरा वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए। मेरे संकटों में, परेशानियों में प्रभु, मेरे काम कमाई पर आपका वचन पूरा हो जाए। प्रभु जी मेरे बीमारियों में आपका वचन पूरा हो जाए। आज मेरे संकट पर आपका वचन पूरा हो जाए। प्रभु जी बाहर जाने के रुकावट पर आपका वचन पूरा हो जाए। बच्चों के पढ़ाई पर आपका वचन पूरा हो जाए। प्रभु पारिवारिक समस्याओं में आपका वचन पूरा हो जाए। आर्थिक समस्याओं में आपका वचन पूरा हो जाए। मेरी कलीसिया में आपका वचन पूरा हो जाए। हमारे देश में आपका वचन पूरा हो जाए। प्रभु जी जो जिनकी आश खत्म हो गया है, प्रभु जी जो निराशा में है, जो डिप्रेशन में है, उनकी जिंदगी में अब तक कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा सोचकर टेंशन में है, प्रभु आज ये वचन उनको नया जीवन प्रदान करे। आमीन। क्योंकि तेरा वचन में लिखा है, दूसरे लोग शायद अपने अपने ताकत पर भरोसा रखते होंगे, लेकिन हमारे लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा है। हाँ प्रभु जी, आज तेरे सिवा हमारा कोई नहीं प्रभु। यस लॉर्ड। प्रभु दुनिया में प्रभु हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन प्रभु चारों तरफ हमारे शत्रु होंगे, चारों तरफ हमारे संकटों से हम घिरा हुआ होंगे, लेकिन प्रभु आप हमारे साथ है, हमारे पक्ष में है, हमारे लिए युद्ध करेगा। आमीन। आज आप मेरे लिए खड़ा होगा प्रभु जी। आमीन। आप मेरा
मुक्तिदाता बनकर रक्षक बनकर मेरे साथ रहेगा। आमीन। प्रभु इस वचन की शक्ति आज इस वचन को सुनने वाले सभी के जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। 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 आमीन।